नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी नाइन भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और देखिए, आज दो चुनावों के नतीजे आए हैं, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का और कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। और यहां तो अब पता चल गया है किसका राज्याभिषेक होने वाला है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को लेकर भी लगातार मेयर सीट का सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कौन सी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव से? पीसीआर, पहले वो वॉल दिखाइए। हम यहां पर अब बात कर रहे हैं, क्या ये 40% वाली हार है? क्वेश्चन मार्क। 40% वाली हम क्यों कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या ये 40% वाली हार है, वो बताएंगे आपको। पहले ये देखिए, कर्नाटक चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आप देखिए। कर्नाटक में बीजेपी के 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं, 30 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं कर्नाटक में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यानी करीब 40% मंत्री यहां हार गए हैं। आप ध्यान से देखिए इसको, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कर्नाटक में 13 मंत्री 30 में से हार गए हैं। सीटी रवि, वी सोमन्ना, ये मंत्री हार गए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कर्नाटक में, क्या ये 40% वाली हार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यहां पर क्या इस पर भी फिट बैठती है? क्योंकि बीजेपी के 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं कर्नाटक चुनाव से इस वक्त से की बड़ी खबर। जल्दी से पीसीआर यहां पर दिखाते हैं कौन कौन से वो मंत्री हैं। फिर मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हैं, और मेरे साथ अमोद राय भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता उनके पास जाएंगे। लेकिन जरा जल्दी से दिखाते कौन कौन से मंत्री चुनाव हार गए हैं 40% वाली हार क्वेश्चन मार्क। गोविंद करजोला मुदोला सीट से हार गए हैं, श्री रामोलू बेल्लारी ग्रामीण सीट से हार गए, वी सोमन्ना दो सीट से लड़ रहे थे, वरुणा और चामराजनगर ये दोनों सीटों से हार गए। इसके अलावा आप देखिए यहां पर जेसी मधुरस्वामी चिक्कनायाकन हल्ली सीट है, यहां से भी ये हार गए हैं। मुरुगेश निरानी बायलागी सीट से हार गए हैं, बीसी पाटिल हिरी केरेरू सीट से हार गए हैं। जल्दी से छह और नाम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, डॉक्टर के सुधाकर चिकबल्लापुर सीट से हार गए हैं, बीसी नागेश टीपातुर सीट से हार गए हैं, हलप्पा आचार येलबुर्गा सीट से हार गए हैं, एमटीबी नागराज होसकोटे सीट से हार गए हैं, नारायण गौड़ा के आर पेट सीट से हार गए हैं, शंकर मुनेकोपा नवलगुंडा सीट से हार गए। तो ये करीब करीब 40% मंत्री भी बोम्बई कैबिनेट के हार गए हैं। मेरे साथ देखिए इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हम आपको जीत हार के 9 फैक्टर भी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि यहां पर कांग्रेस की जीत के और बीजेपी की इतनी बड़ी हार के फैक्टर क्या हैं। लेकिन इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अलका लामा है कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रेम शुक्ला है बीजेपी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं अमोद के पास जाऊंगा जो इस वक्त बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमोद, लगातार आप इस पूरे चुनाव को कवर करते रहे, 40% कमीशन का मुद्दा बहुत उठाया कांग्रेस ने, लेकिन यह संयोग है कि क्या है 40% मंत्री भी चुनाव हार गए हैं बोम्बई कैबिनेट के? देखिए, बोम्बई कैबिनेट के जितने भी मंत्री हारे हैं जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो निरानी हो, चाहे सोमन्ना हो, चाहे आर अशोक हो, या जितने भी नेता पाटिल हो, ये सारे नेता कद्दावर नेता माने जाते थे। और उनका चुनाव हारना ये दिखाता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी इन नेताओं के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पहले भी बीजेपी को मालूम था कि उनके तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ नेताओं के टिकट काटे भी गए, इसी में कई बड़े नेता नाराज होकर कांग्रेस गए और उसमें से एक चुनाव हार भी गए हैं, जैसा कि अभी आपने देखा वो हाई प्रोफाइल चुनाव बना, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो वैसे कई नेताओं के खिलाफ यहाँ एंटी इनकम्बेंसी था और बीजेपी इस बात को जानती थी, लेकिन उसके पास सामने समय नहीं था कि नए लोगों को वहां पर टिकट देकर जितवाया जा सके और नए लोगों को वहां नर्चर किया नहीं। लेकिन ये 40% वाला दाव कांग्रेस का आपके ऊपर यहां पर बड़ा घात करता हुआ दिख रहा है प्रेम शुक्ला जी। 40% कमीशन, ये पूरे इलेक्शन में करप्शन को लेकर ये बड़ा इन्होंने कैंपेन चलाया, और आज जब रिजल्ट आ रहा है तो आपके 40% मंत्री भी हार रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, हम कर्नाटक में चुनाव हारे हैं और निश्चित तौर पर जब हम हारते हैं तो हमारे हारने का कारण हमारी जनता के बीच लोकप्रियता में गिरावट होती है, इसी कारण हारते हैं। तो हम वहाँ पराजित हुए हैं और इसके लिए हम विनम्रता से उस पराजय को स्वीकारते हैं। हमारे परिश्रम में, हमारे काम करने में कमी नहीं होगी। ये आपकी विनम्रता है, मैं मानता हूँ उस बात को। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये 40% का आंकड़ा चिपक गया क्या आपसे? नहीं, उसी पर आ रहा हूँ मैं। आप 40% भ्रष्टाचार के आरोप की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ हो सकता है कि दुष्प्रचार का भी लाभ हुआ हो कांग्रेस को अपनी जीत में, ये जो है विश्लेषण का विषय है।
लेकिन अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो जिस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जो 400 BC की केस में है, श्रीमान राहुल गांधी जो 400 BC की केस में है, अभियुक्त हैं, बेल पर हैं, डीके शिव कुमार करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के केस में है, मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार किस तरह से अरबोंपति हो गया लोग जानते हैं, भलीभांत जानते हैं। देखिए ये सारी बातें आपने कैंपेन के दौरान भी की हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आज देना चाहिए आज जो जीता वो सिकंदर। मैं आता हूँ आपकी बात, अभी आता हूँ, अभी लंबी बात करते हैं, थोड़ा ओपन कर देते हैं शो, फिर लंबी बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अलका लामा जी मेरे साथ हैं। पहले तो अलका लामा जी आपको बधाई हो, आपने कर्नाटक में चुनाव जीता है, अच्छे से जीता है और इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी आप लोगों को बधाई दी है, तो उनकी बधाई स्वीकार है आप लोगों को? बिल्कुल, धन्यवाद। आपकी बधाई, प्रधानमंत्री जी की बधाई, हम सबकी बधाई स्वीकारते हैं और कर्नाटक के 6,50,00,000 लोगों को धन्यवाद करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारी जीत। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। ये 40% का जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया, यहाँ तो 40% मंत्री भी हार गए, तो क्या ये वही रीजन है 40% का जो 40% मंत्रियों को भी हरा रहा है? बिल्कुल, हमारा जो कैंपेन सबसे पहले था 40% कमीशन खोरा सरकार पर हमारा सीधा हमला था, जब कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखित में लिखा लेटर और कहा कि आपकी बोमई भ्रष्ट सरकार हमसे हर चीज में कमीशन मांगती है 40%। उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी जवाब देते पर वो टाल गए जवाब को और पूरा ध्रुवीकरण कर लिया उन्होंने। इन्हीं का एक कार्यकर्ता आत्महत्या करता और KS ईश्वरप्पा जो मंत्री थे उनका टिकट कट गया, वरना वो 40% में शामिल होते हारने में, पर मालूम था हार जाएंगे, टिकट ही काट दिया भ्रष्ट अपने मंत्री का और एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या। पे सीएम का हमने पेटीएम का एक पोस्ट कार्ड निकाला जो बेंगलुरु में खास से कर्नाटक के युवाओं में पॉपुलर हुआ, पे सीएम, हमने वो पोस्ट कार्ड निकाला, लोगों को हमने बताया कि किस तरीके से लूट और खून। चलिए मैं आता हूं आपके, अलका लामा जी आप कह रही है कि आपका ये कैंपेन लोगों तक पहुंचा, PCR जरा हम वो जो 9 फैक्टर लेकर आए हैं वो तैयार रखेगा, तब तक मैं डेटा मुशाए के पास जा रहा हूं, हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन डेटा मुशाए के पास चलते हैं और उसके बाद हम जीत हार के जो 9 फैक्टर लेकर आए हैं वो हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर वो 9 फैक्टर कौन से हैं। लेकिन डेटा मुशाए जल्दी से, क्योंकि आप लगातार कर्नाटक में घूमे, आपने कहा कि 900 से 1,000 गांवों में गए, आपने प्रिडिक्शन किया था 125 से कहीं आगे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जल्दी से ये बताइए ये 40% मंत्री, 40% वहां पर करप्शन, ये तो मिल गया, ये क्या हो रहा है? वो एक नंबर एक्सीडेंटली मिल गया, एंटी इनकंबेंसी था, नहीं इतने मंत्री हार जाएंगे लगा था? देखिए आपका 104 से 64 सीट आ रहा है, 40 सीट तो कम ही होगा ना, उसमें तो स्टैटिस्टिकली मिनिस्टर भी जाएगा, मतलब ये अगर आप नंबर 100 से सिर्फ 90 हो रहा है, इसमें मिनिस्टर रहे बात अलग है, ठीक है, तो इट इज नॉर्मल। रीजन जल्दी से मुझे रीजन बताइए क्यों हुआ ये, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए इतनी बड़ी हार क्यों हुई? नहीं हार क्या है, कांग्रेस ने अच्छा कैंपेन किया, कांग्रेस इस बार बीजेपी जैसा इलेक्शन लड़ा है, आप इतना कांग्रेस बीजेपी जैसा इलेक्शन लड़ा तो बीजेपी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप? डेफिनेटली हर चीज, मतलब आप समझ लीजिए बहुत प्रिपरेशन, बहुत प्लानिंग होने के बाद ये नंबर आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे कुछ नंबर दिखाएंगे जल्दी से, यहाँ पर कुछ आपके पास एनालिसिस है, फिर मैं जल्दी से नीचे जाऊंगा। मुझे जब इंटरेस्टिंग सबसे जो नंबर मुझे जितना लगा वो ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर ऑफ है कोडागू। क्यों है ऐसा? इट इज कंसीडर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फॉर बीजेपी, टीपू सुल्तान वगैरह जहाँ पर इशू है। यहाँ पे आइए। तो ये जो हमारे साथ डेटा मुशा है वो ये कह रहे हैं कि कोडागू जो जहाँ पर 2 सीटें जिले में, वहां पर ये बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था, यहाँ पर आइए दिखाइए। और यहाँ पर कांग्रेस के पास 2018 में एक भी सीट नहीं थी, इस बार उसने दोनों सीटें जीत ली। कभी भी नहीं जीता। मतलब उधर कांग्रेस लोग करने में डरता है, ओके वो सीट आप जीत रहा है तो आप समझ लीजिए समथिंग, आप समझ लीजिए अगर कोडागू जैसी जगह जहां पर कभी भी बीजेपी हारी नहीं, कभी भी टीपू सुल्तान का जो इशू है इस एरिया में सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान वाला इशू इस एरिया में इंपैक्ट करता है और वहां पर भी यहां पर कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं, तो फिर यहां पर आखिर क्या रिबच जाता है? लेकिन अभी एक थ्योरी और भी है, जनादेश और जनाधार दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, जल्दी से यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी है, उन्होंने कहा मेरी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ हैं, उम्मीद है कि कांग्रेस की जो सरकार होगी वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, यह भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, देखिए प्रचंड जीत के बाद प्रियंका गांधी का भी बयान आया है, वो शिमला में हैं और वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात की है। प्रियंका गांधी का बयान आया है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत के बाद, उन्होंने कहा ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, परम आदरणीय खड़गे जी को बधाई, ये कहा प्रियंका गांधी ने। सिद्धारमैया जी, शिव कुमार जी को भी बधाई, सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी ने।
कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं, अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार, हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, ये लब लुआब यहाँ पर प्रियंका गांधी के इस बयान का। हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, जल्दी से कमेंट इनका लेते हैं, फिर वो नौ फैक्टर दिखाएंगे। हर्षवर्धन जी, यहाँ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी है और अभी हमने यहाँ पर अपने जो शो का नाम रखा 40% वाली हार ? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा ये निकल कर आया कि 40% मंत्री भी चुनाव हार गए, 30 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए। आपका क्या एनालिसिस है हर्षवर्धन जी? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो देखिए कांग्रेस पार्टी की हर रणनीति, हर दांव बहुत शानदार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति खराब रही है। लेकिन यहाँ एक दो बातें हैं जिसको निश्चित तौर पर देखना चाहिए। एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है उसमें बहुत साफ है कि भाजपा का जो बेस वोट है लिंगायत, वो कहीं गया नहीं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कहें कि जिसको हम कहते थे कि येदुरप्पा को नहीं, मैंने वही कहा कि जनादेश कांग्रेस के पास है लेकिन जनाधार बीजेपी का खत्म हुआ नहीं, ये अभी यहां पर एनालिसिस करना बाकी है निश्चित तौर पर। हाँ। और दूसरा उससे आगे की जो बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जोखिम लिया था, एक कोशिश की थी कि अपने लिंगायत फोल्ड से बाहर निकलकर, आगे निकलकर वो कुछ लोगों को शामिल करना चाहती थी, वो दांव उसका असफल रहा। और एक बहुत जरूरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समझने की है कि स्टेट लीडरशिप अगर बहुत मजबूत नहीं होगी तो हर बार मोदी जी अपने कांधे पर कितना खींच कर ले जा पाएंगे। ये बड़ी बात आपने कही और मोदी फैक्टर की भी बात होगी इस चुनाव को लेकर। लेकिन जल्दी से आइए, जरा दिखाते हैं आपको वो नौ फैक्टर जो हम यहाँ सामने लेकर आए हैं और फिर अपने मेहमानों के पास जाते हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला है, कांग्रेस से अलका लांबा है, लेकिन पहले ये नौ फैक्टर देखिए यहां पर जल्दी से, इनको हम डिटेल में भी बताएंगे। लेकिन पहले ये नौ फैक्टर, भ्रष्टाचार जिस 40% वाले की हम बात कर रहे थे, अगर इसको क्लोज करके दिखा सके पीसीआर प्लीज क्लोज करिएगा। भ्रष्टाचार, पे सीएम, 40% कमीशन, ये तमाम कैंपेन चलाया यहां पर कांग्रेस ने और वो कैंपेन क्या उनको फायदा देता दिख रहा है? सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकंबेंसी, क्या यह भी एक फैक्टर रहा? लोकल लीडरशिप की नाकामी, किसकी? बीजेपी की, जिसकी बात अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे। तीन फैक्टर ये हो गए। इसके अलावा कांग्रेस का कैंपेन बेहतर था, घोषणा पत्र में जो उन्होंने गारंटी की बात की, बीएस येदुरप्पा जो कार्ड खेला यहां पर बीजेपी ने, क्या इसका फायदा नहीं हुआ? इसके अलावा तीन फैक्टर और, सांप्रदायिक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दों में बजरंग बली का जो मुद्दा आया। इसके अलावा मुंबई, कर्नाटक और ओल्ड मैसूर, ये दो रीजन जिनमें 105 सीटें आती हैं 224 में से, इन दोनों में कर्नाटक की बड़ी जीत हासिल हुई है। ओल्ड मैसूर इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये जेडीएस का गढ़ था, वहां से कर्नाटक में कांग्रेस सीटें निकाल कर लाई है। तो ये नौ फैक्टर हम दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से आप तीन फैक्टर आपको दिखा देते हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात करें, मुंबई सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया कांग्रेस ने, जिस 40% की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस ने पे सीएम कैंपेन चलाया, क्या यह उनके लिए फायदेमंद रहा? भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मुंबई सरकार पर मठ से 30% की रिश्वतखोरी का तक का आरोप लगा और इसके अलावा बीजेपी के प्रमुख नेता येदुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और क्या इसका भी वहां पर फायदा मिला? सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकंबेंसी, पिछले 38 सालों से कोई भी सरकार वहां दोबारा नहीं आई है, क्या यह भी एक ट्रेंड यहां पर फिर से आया? हर चुनाव के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड तोड़ 73% मतदान, जिसको कहा जाता है कि ज्यादा मतदान, यानी एंटी इनकंबेंसी फैक्टर वहां पर दिखता है। विकास की जगह हिंदुत्व को हवा देना, जनता को रास नहीं आया, क्या यह भी एक बड़ा यहां पर फैक्टर है? और इसके अलावा बोम्बई की जन नेता वाली अपील ना होना, यानी मास लीडर ना होना उनका, क्या यह भी एक फैक्टर है? जल्दी से एक और देख लीजिए, फिर जाते अपने मेहमानों के पास। लोकल लीडरशिप की नाकामी, बीजेपी के स्थानीय नेताओं में एकता की कमी दिखी, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार तक चले गए पार्टी छोड़कर, येदुरप्पा जैसा लोकप्रिय स्थानीय नेता ना होना उनके पास। इसके अलावा
कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट काट दिए गए, ये भी एक फैक्टर क्या है जीत हार के इन 9 फैक्टरों में से, ये हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे, कांग्रेस के कैंपेन के बारे में। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इन 3 फैक्टर में से आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर गया? देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और जब हम चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो सीखने का अवसर निश्चित तौर पर होता है, और हम उन सारे फैक्टर्स का हमारी पार्टी में एक इस तरह का की प्रणाली है कि हम कहाँ कम पड़े, कहाँ हमको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, किन दुष्प्रचारों का हम जो है सदप्रचार करने में विफलता हमारी रही, इन सब का निश्चित विश्लेषण होगा और हम रिफाइन होकर रिफॉर्म होकर आएंगे और कर्नाटक की जनता की सेवा में। कौन सा ऐसा दुष्प्रचार है जो आपके खिलाफ चला गया, यही बता दीजिए। आप जिसको दुष्प्रचार कह रहे हैं वो कौन सा दुष्प्रचार है? आप ही बता रहे हैं, आप जो दुष्प्रचार गिना रहे हैं इनका परिणाम हो सकता है, लेकिन वो वृहद विश्लेषण का विषय है। मैं आ रहा हूं अलका जी। अलका जी जवाब देना चाहती हैं आपकी बात का, बताइए अलका जी। गौरव जी, ये जो आप 40% दिखा रहे हैं ना, एग्जैक्ट देखिए, पिछली बार ये जीते थे 104, 104 में से पूरे 40 हारे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, कमाल है, 40 संयोग होता है ये तो पूरा, ये बिल्कुल संयोग है। पे सीएम के नाम से 40% का आंकड़ा, और बिल्कुल आप कांग्रेस भी देखेंगे 140 छू जाएगी, बड़ी बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं हम चुनाव जब हारते हैं तो हम सब 40 तो आपके लिए शुभ साबित हो गया अलका जी। मैं बिल्कुल, ये पूरे कर्नाटका के लिए शुभ साबित हो गया है, और बिल्कुल हमारे एक पैनलिस्ट जब बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हर बार चेहरा बनेंगे राज्यों के चुनावों में, तो ये भी साबित हो गया कि प्रधानमंत्री जी का मुखड़ा और दुखड़ा दोनों फेल। लेकिन अलका जी, इसी डिबेट में एक बात और आई है, आप जीती हैं, आप लोग खुश हैं, आपको पूरा हक है, आगे आपको सरकार जलाने का जनादेश कर्नाटक से मिला है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसी आंकड़े में आपको ये बात देखनी चाहिए कि बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, वोट परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है। यानी अच्छा देखिए, इस बीच कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है और इसमें कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जो बेंगलुरु से आ रही है, जहां पर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं कांग्रेस के, कर्नाटक कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, कर्नाटक का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। ये विजुअल हम दिखाते रहेंगे अलका जी। लेकिन मैं जो पूछ रहा था, जनाधार और जनादेश, जनादेश आपके पास है लेकिन बीजेपी का जनाधार खिसका नहीं है, ये तो आप मानेंगी? देखिए, अगर आप कहेंगे 224 में से 64 पे सिमट गई है, फिर भी जनाधार नहीं है। और वोट परसेंटेज की बात करेंगे, 1989 से 2023 में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस को अधिक, हमेशा सबसे अधिक वोट मिला है, जो दिखाता है कि कर्नाटक एक सेक्युलर स्टेट है, और जो भाजपा की कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं वो देश भर में है, पर उनकी हार हिमाचल के बाद, सबसे ज्यादा हिंदू वोटर है 99% हिमाचल में, है ना, और ये अपने आप को हिंदुओं का मसीहा बताते हैं और हमेशा इस तरह की वो हरकतें करते हैं कि अल्पसंख्यक, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक मुद्दों को उठा लिया बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी की हार हुई। बिल्कुल, क्या ये भी एक फैक्टर है? जल्दी से, क्योंकि अभी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से मैं फैक्टर दिखा देता हूं कुछ और। अलका जी आ रहा हूं, पीसीआर जल्दी, वो जो अभी हमने जो फैक्टर दिखाए हैं, अब इसमें कुछ और फैक्टर जो कांग्रेस की जीत से और बीजेपी की हार से जुड़ते हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या कहने वाली है। जल्दी से यहां पर दिखाते हैं आपको। एक तो कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को लेकर अब बड़ा एनालिसिस हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया, क्या वो बीजेपी से अच्छा कैंपेन था? हमारे डेटा मुशाए कह रहे हैं, जो जीत हार के जो 9 फैक्टर हैं वो यहां पर, जो अभी हमने 3 फैक्टर दिखाए उसके आगे के फैक्टर हम आपको दिखाते हैं। जीत हार के फैक्टरों में अब कांग्रेस पार्टी का कैंपेन बीजेपी स्टाइल में चला, ये बड़ी अच्छी एक यहां पर व्याख्या हो रही है। जल्दी से इस बारे में भी बात करनी होगी, लेकिन पहले कांग्रेस का कैंपेन बेहतर था। कांग्रेस की 5 गारंटीज ने प्रभाव छोड़ा, जो उन्होंने 5 गारंटीज महिलाओं को, बेरोजगारों को, वहां पर जिस तरह से गारंटी दी उन्होंने, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की, जो उनके नेता हैं सिद्धारमैया, उनकी लोकप्रिय छवि का असर भी यहां पर दिखता है कांग्रेस की जीत में। इसके अलावा और क्या है, डीके शिवकुमार के मैनेजमेंट का प्रभाव भी रहा, वही कह रहे हैं ना, कांग्रेस का कैंपेन बड़ा अच्छा रहा इस बार। खड़गे को अध्यक्ष बनाए जाने से दलित वोटों का फायदा भी मिलता दिखा है यहां पर कांग्रेस को। इसके अलावा घोषणा पत्र की बात
कर लेते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी गरीब तबके को पसंद आई, ये कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं वो असर पड़ा है। कांग्रेस लोगों तक सीधे फायदे का संदेश पहुंचाने में कामयाब रही है और इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी का जो समान नागरिक संहिता का कार्ड था वो नहीं चला है। अगर चलता तो शायद नतीजे कुछ और होते। वोटर से कनेक्ट करने में बीजेपी कामयाब साबित नहीं हो पाई है, ये भी एक है। अब एक और देख लीजिए, बीएस येदुरप्पा जो कि ट्रंप कार्ड माने जा रहे थे एक बार फिर से बीजेपी के लिए, उनके गृह जिले शिमोगा में बीजेपी की करारी हार हुई है। वो कैसे हुई है वो नंबर्स हम दिखाएंगे। इसके अलावा अगला जो यहां पर पॉइंट आता है, 2018 में 6 सीटें थी शिमोगा में जहां से बीएस येदुरप्पा आते हैं, 2023 में 3 सीटें रह गई, 3 सीटें यहां पर बीजेपी लूज कर रही है। और इसके अलावा येदुरप्पा का सही इस्तेमाल बीजेपी नहीं कर पाई। मैं अब जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपके जो बड़े नेता हैं, एक तो यह बात है कि आप लोगों ने पहले 2019 में बीएस येदुरप्पा की जगह बोम्मई को आप लेकर आए और बसवराज बोम्मई को लेकर आए तो वो मास लीडर नहीं माने जा रहे थे। चुनाव आते आते आपको फिर से बीएस येदुरप्पा पर अपना भरोसा दिखाना पड़ा, लेकिन क्या वो भी अब अपना चार्म खो रहे हैं कांग्रेस कर्नाटक में और बीएस येदुरप्पा से जो उम्मीदें थी आपको वो पूरी नहीं हो पाई? देखिए येदुरप्पा जी कर्नाटक के शीर्षतम नेताओं में से एक हैं, उनका बहुत प्रभाव है और उस प्रभाव का हमको हमेशा लाभ मिलता रहा है। 1999 से लेकर 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी 15% से लोकसभा चुनाव में 51% तक पहुंची और विधानसभा चुनाव में आज भी हम 36% के आसपास हैं, तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कर्नाटक की जनता उसको सीटों पे कन्वर्ट करने में उनको बेहतर सफलता मिली है, ये भी एक सत्य है। सर अपने गृह जिले में वो हमारे तमाम जब कोई येदुरप्पा जी के गृह जिले में हर्षवर्धन जी जो अब मैं मानता हूँ आप प्रवक्ता हैं, आप डिफेंड करेंगे, लेकिन जो राइटिंग ऑन द वॉल है बीएस येदुरप्पा अपने गृह जिले में हर्षवर्धन जी सीटें नहीं बचा पाए, 6 में से 3 हो गई है वहां बीजेपी की। देखिए इस बात को बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है, कितना भी बड़ा नेता हो जब वो इन कमांड नहीं होता है तो उसके साथ जुड़े हुए समर्थक उस तरह से नहीं आते हैं, वो जोश वो उत्साह वो एग्रेशन आक्रामकता जो होती है वो नहीं आती है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो नेता अपनी जो प्लानिंग करता है तो पहले वो प्लानिंग येदुरप्पा जी मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक चुनाव पर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आ गया है। दक्षिण ने उत्तर भारत को दिशा दिखाई है, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ। बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटक में मिला है, ये कमलनाथ ने कहा है। अब एमपी में बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ये तो आप मानेंगे कि कर्नाटक की इस जीत ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। सुनिए कमलनाथ क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, 15 किलोमीटर का रोड शो, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा, पर कर्नाटक के मतदाताओं ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं अमोद राय के पास जाना चाहूंगा लेकिन जल्दी से, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे येदुरप्पा की। अब मैं आपको दिखाता हूं बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो खुद सीएम बसवराज बोम्मई रहे हो, चाहे येदुरप्पा रहे हो और फिर जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी रहे हो, कैसे इन सब के गृह जिलों में हार हुई है इनकी और वहां से कांग्रेस निकाल कर लेकर गई है सीटें। जल्दी से वो ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर अलका लामा जी आपके पास आऊंगा लेकिन पहले अमोद राय के पास जाऊंगा। यहां पर वो ग्राफिक्स लेकर आते हैं, आप समझिए इसको। बसवराज बोम्मई जिनका गृह जिला यहां पर आता है हावेरी, 6 सीटें इसमें है। इसमें से कांग्रेस के पास 2018 में 1 सीट थी, 2023 का आंकड़ा देखिए 5 सीट, सीएम का ये गृह जिला है, यानी कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटें ज्यादा जीतती है और बीजेपी के पास 4 सीटें थी, 1 सीट रह जाती है इस बार, 1 सीट जेडीएस के अन्य के पास थी वो भी वो नहीं जीत पाते। अब जल्दी से यहां पर बीएस येदुरप्पा के गृह जिले की बात कर लेते हैं। ये सब बड़े चेहरे, सबसे बड़े चेहरे कर्नाटक में बीजेपी के शिमोगा जिले से आते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास शिमोगा में 2018 में 1 सीट थी, 2023 में यहां 3 सीटें जीत लेती है कांग्रेस। बीजेपी के पास 2018 में यहां 6 सीटें थी, मात्र 3 रह जाती हैं और यहां पर जेडीएस भी 1 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है जिसके पास 2018 में सीट थी नहीं। अब जल्दी से एचडी कुमारस्वामी का भी आपको यहां पर गृह जिला दिखा देते हैं और यहां से सबसे बड़ी बात है कि डीके शिवकुमार भी यहीं से, कौन सा वो गृह जिला, रामनगरम। रामनगरम में कांग्रेस पार्टी के पास 2018 में 1 सीट थी, वो यहां 3 सीटें जीत रहे हैं, जीत चुके हैं 2023 में, और इसके अलावा जेडीएस के पास यहां 3 सीटें थी, मात्र 1 रह जाती है। तो अमोद, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि आप बहुत लंबे वक्त से कर्नाटक में हैं,
ये तो अब राइटिंग ऑन द वॉल है कि बीजेपी के बड़े लीडर भी अपने अपने गृह जिलों में पार्टी को नहीं जिता पाए। बिल्कुल बिल्कुल आपका कथन सही है, और मैं इसको दूसरे ढंग से अगर कहूं तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस अपना जो पुराना वोट बैंक है अहिंदा, जिसमें उसके दलित, मुस्लिम और ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, उसके साथ ही अगर मैं ये कहूं कि लिंगायत समूह से भी कांग्रेस को इस बार ठीक ठाक जबरदस्त समर्थन मिला है, और इसका मुख्य कारण ये है कि एस येदुरप्पा को हटाया जाना कहीं ना कहीं लिंगायत समूह में एक रोष पैदा किया, और जो मौजूदा सीएम है जो उसी समाज से हैं, उन्होंने अपनी छवि उस ढंग से नहीं बनाया कि जिससे ये पूरे लिंगायत समुदाय के नेता के तौर पे उभरे। कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया है और मजबूत नेताओं को वहां पे प्लेस किया और उसका उसको फायदा मिला। ठीक है ठीक है, मैं डेटा मुशाय आपके पास भी आ रहा हूं, डेटा मुझे बताइएगा। डेटा मुशाय हमारे साथ हैं, बड़े साइंटिफिक तरीके से आ रहे हैं। डेटा मुशाय मैं आपके पास भी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अलका जी से मैंने कहा था कि अमोद राय के पास, उनके पास जाऊंगा। अलका जी अब बताइए मुझे, जो हमने तीन फैक्टर और दिखाए, क्या आपको लगता है कि बी एस येदुरप्पा ने वो जादू नहीं करके दिखा पाए बी एस येदुरप्पा जिसकी बीजेपी को उनसे उम्मीद थी? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने अपने 75 सिटिंग विधायकों का, सीनियर नेताओं का टिकट काटा, हाँ। और उसके बाद जो बच गए वो भी कुछ बचा नहीं पाए, तो ये दिखता है कि सत्ता के विरुद्ध लहर नहीं सुनामी थी। और एक फैक्टर आप मत भूलिएगा, हमारी जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली 20 विधानसभाएं थी जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, हमारे पास 2018 में 5 सीटें थी, अब वहां 15 सीटें हैं। तो ये भी दिखाता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित उस राज्य में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा और उठाए गए मुद्दों पर भी लोगों ने मोहर लगाई है। आप जो कह रहे हैं कि यहां पर आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे उसका भी बहुत फायदा हुआ, मैं जल्दी से डेटा मुशाय के पास जाता हूं, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आता हूं। डेटा मुशाय आप देखिए, अभी अभी कमलनाथ कह गए कि अब एमपी में भी कुछ हो पाएगा बीजेपी का, राजस्थान सामने दिख रहा है, छत्तीसगढ़ सामने दिख रहा है, तेलंगाना सामने दिख रहा है, महाराष्ट्र से लगते इलाके में यहां पर बीजेपी को, कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, तो अभी इस पर क्या एनालिसिस है आपका? नहीं देखिए, इसका इंपैक्ट डायरेक्ट जो पड़ेगा तेलंगाना में क्योंकि ये बताइए कैसे, ये जो एरिया है, ये जो आप समझ लीजिए, अभिषेक इधर आइए, ये जो बॉर्डर है, ये रायचूर वगैरह जो एरिया है, ये जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है जिसको आप दिखा रहे हैं, ये रायचूर है, ठीक है, ये पोजीशन, ठीक है, ये सब एरिया में देखिए कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। नहीं, और एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, हैदराबाद कर्नाटक से ही आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ। उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। अब सवाल यह है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का इस जीत में कितना योगदान आप देखते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनाए गए, दलित वोटों का उधर झुकाव हुआ, क्या ये सब फैक्टर काम कर गया? बहुत काम किया, तो फिर तेलंगाना में भी करेगा? नहीं देखिए, अभी क्या है तेलंगाना का पॉलिटिक्स क्या है, उधर एक रीजनल पार्टी है, तो क्या टीआरएस का जो एंटी टीआरएस और बीआरएस अभी बन गया, बीआरएस का एंटी बीआरएस पार्टी जो लोग है वो क्या है मालूम नहीं चल रहा है कौन बेटर पोजीशन में है टीआरएस को डिफीट करने के लिए, ठीक है ठीक है। अभी ये जीत के बाद कांग्रेस को मोमेंटम मिलेगा तेलंगाना में मिलेगा। नंबर टू, हाँ। आप समझ रहे, कांग्रेस एक कर्नाटक का कैश रिच स्टेट है, हाँ। तो इलेक्शन फंडिंग वगैरह के लिए ये कांग्रेस को बहुत, आप कह रहे हैं कि ये संजीवनी मिल गई है कांग्रेस एकदम एकदम। हर्षवर्धन जी आप मानते हैं डेटा मुशाय की इस बात को कि ये संजीवनी मिल गई है, और वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में तो सामने फायदा दिख रहा है, बाकी आगे चुनावों में भी फायदा मिल सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ी संजीवनी है, और इसमें मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए, आज कांग्रेस की जो बेहतर रणनीति है उसको बात करने का दिन है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की गड़बड़ियों की बात करते हैं तो सिर्फ दो उदाहरण, एक उदाहरण येदुरप्पा है, एक उदाहरण शेट्टार है। जगदीश शेट्टार की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा ने जिसको खड़ा किया, वो नेता उन्हीं की कम्युनिटी से आता है, उनको हरा कर आगे आता है, काम करने वाला नेता है, उसकी एक छवि होती, वो आक्रामक होता है और शेट्टार दब जाते हैं। लेकिन जब येदुरप्पा के उत्तराधिकारी के तौर पर बोम्मई आते हैं तो एक डल लीडर के तौर पर आते हैं, बीजेपी का कैडर उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस पार्टी में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, ढेर सारी खबरें थी, पिछली सरकार में भी था कि शिवकुमार भी बनना चाहते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन दोनों ने जिस तरह से कभी कांग्रेस का झंडा लगाते हैं, कभी हंसते हुए वीडियो देना, अभी मैं नहीं जानता हूं कि इसके बाद इस चुनौती को कांग्रेस कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर डीके शिवकुमार का क्लेम बनता है। नहीं, वहां पर तो जानकारी यहां तक आ रही है, अलका जी आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, रिजॉर्ट सब बुक होने की खबरें हैं, तो आप लोग अभी इतनी अच्छी मेजोरिटी के बाद भी रिजॉर्ट क्यों बुक कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, 224 विधायक हैं, पूरा कर्नाटका में सफर करेंगे, अगर मैंने बेंगलोर से शिमोगा भी सफर किया तो 3 घंटे लगे मुझे, तो बहुत लंबा सफर है, सबको बेंगलोर ही आना है, विधानसभा भी वही है,
फैसला भी राजधानी से होना है, सबको बेंगलोर बुलाया जा रहा है। अभी विधायक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, दो बातें निकल कर आई कलका जी, आप ही से सवाल है। हाँ, पहली सवाल तो ये कि अगर आप लोगों को क्या कोई डर है इतनी अच्छी मेजोरिटी के बाद भी कि कोई पोचिंग हो सकती है, क्या उसका कोई डर है? और दूसरा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी ये मैसेजिंग क्लियर नहीं है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में से कौन सीएम बनेगा, और ये खबर जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वाकई ये फिजाओं में है कि दोनों के बीच ऑल इज नॉट वेल, तो क्या आपके लिए ये चैलेंज है? अब नंबर एक, डर जो भी था वो कर्नाटक की जनता ने पूर्ण बहुमत से बहुत अधिक देकर पूरा डर निकाल दिया। मतलब आपको डर था, आप ये कह रहे हैं डर था? नहीं बिल्कुल, भाजपा की जो हरकतें रही हैं लोकतांत्रिक सरकारों को स्थिर करना गिराना, वो आपने कर्नाटक में खुद देखा 2018 में, मध्य प्रदेश देखा, इनके राजस्थान की प्रयास फेल किए, ये सब देखा है। तो बिल्कुल डर नहीं था, सतर्क थे हम लोग। नंबर एक, उसको कर्नाटक ने फेल किया। नंबर दो, अब आपने कहा हमें दो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जी, कोई दो राय नहीं है, बहुत मजबूत दोनों चैनल, दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब 136 विधायकों को बेंगलोर राजधानी बुला लिया गया, अब विधायक बैठकर लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? देखिए अभी ये कह रही हैं अलका जी कि हम सतर्क थे, या क्या उधर देखे कि आप लोगों का डर अभी तक था कि पता नहीं अगर कुछ 19-20 हुआ तब तो आप निकाल ले जाएंगे? देखिए गौरव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह आया आराम गया आराम, खरीदो बेचो, इस तरह की राजनीति नहीं करती है। आया आराम गया आराम शब्द ही जो है कांग्रेसियों के कुत्सित कुकर्मों का उत्पत्ति थी 70 के दशक में, और संसद में कैसे नोट उड़ाए, कैसे नरसिंह राव, नहीं तो वहां 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 जो गया राम होता है वो आपके आया आराम हो जाता है। नहीं बोल रहा था भाई, नहीं मैं प्रेम शुक्ला जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वहां जो गया राम होता है वो आपके आया राम हो जाता है? हाँ मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ, नहीं उनके यहाँ आराम गया आराम करते हैं, हमारे यहाँ तो जय श्री राम करते हैं जी, हम तो जय श्री राम करते हैं। नहीं जय श्री राम भी करते हैं, जय श्री राम भी करते हैं, और जय बजरंग बली भी करते हैं, लेकिन बजरंग बली जो आपने जय बजरंग बली कर्नाटक में किया वो चला नहीं, बजरंग बली भी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल चला और चलता रहेगा। जय श्री राम के नाम पे जब 1993 में चल गया, 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ी थी तो राम को भी गरियाने वाले नारे लगे थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हम ही बना रहे हैं, ये तो बाबरी मस्जिद बनवाने वाली थी उसके ऊपर, इनका संकल्प था, इनकी औकात नहीं कि रखते। नहीं नहीं लेकिन लेकिन ये जो मुद्दा, नहीं प्रेम शुक्ला जी मेरे पास समय कम है, मैं अलका लामा जी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, प्रेम शुक्ला जी ये सारे मुद्दे, सांप्रदायिकता का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, सुनिए प्रेम शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए, राहुल गांधी के समर्थन में हनुमान नहीं हो सकते। अच्छा चलिए ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, मुझे ही बताइए, बजरंग बली सपने में आएंगे, बजरंग बली इनको बता देंगे, इन्होंने भगवान राम को कैद में रखा, भगवान बजरंग बली को कैद में रखना चाहते हैं, वहां पर आपने हिंदुत्व का मुद्दा जो आपके लिए आपकी स्ट्रांग पिच है आपने उठाया, लेकिन वो फैसला नहीं दिख रहा है नंबर्स में, जिसकी उम्मीद शायद आपको रही होगी इन मुद्दों से। बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है। देखिए गौरव जी, हमने तो अनुच्छेद 370-1952 के चुनाव में उठाया, आपने यूसीसी भी उठाया, हमको जो है 2019 में मिली कर्नाटक में भी, लेकिन सत्य के साथ हम खड़े होते, यूसीसी भी उठाया, उठाते रहेंगे, हमारे मुद्दे हैं। लो जिहादी जो भारत, जवाब दीजिए अलका जी, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूँ, साथ जिहाद करने वालों और अमोद जी को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, अमोद जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमोद जी शुक्रिया आपका, लेकिन पहले एक मिनट अलका लामा जी जवाब दीजिए गौरव जी, ये लोग सबक नहीं लेने वाले हैं, ये तब के नारे याद दिला रहे हैं जब 400 का सिलेंडर होता था, भुखमरी गरीबी महंगाई इतनी नहीं होती थी, और लोग इनके धर्म की जो अफीम थी उसको चख कर इनके पीछे चल दिए, लेकिन आज उन्हें समझ आ चुका है कि आज बेरोजगारी है, आज महंगाई है, आज इनके धर्म की अफीम में वो नहीं आ रहे हैं। नहीं लेकिन 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 आप लोगों ने जो गारंटी दी है अलका जी सुनिए ना, आप लोगों ने जो 5 गारंटी दी है, क्या आपको लगता नहीं है कि अब जिस रेवड़ी कल्चर की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो रेवड़ी कल्चर एक बार फिर बीजेपी लेकर जाएगी इन चुनावों में, कि देखो इन्होंने रेवड़ियां बांटी और चुनाव जीत गए? लेकर जाएं, ये 40% कमीशन खोरी करके जनता के खजाने की लूट मचाएं, है ना, हम उसे मुद्दा बनाएंगे, और हम जो जनता को राहत दे रहे हैं वो इसे बिशक रेवड़ियां कहते रहे, हम फिर भी चैलेंज कर रहे हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली 5 गारंटी पे मोहर लगने वाली है, और 40% कमीशन खोरी का पैसा अब जनता, ठीक है मैं यहाँ पर अब दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस के 4 चाणक्य जिन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिलाई, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी आप एक टिप्पणी करना चाहते थे, जल्दी कर लीजिए फिर मैं आता हूँ।
नहीं, मैं मतलब मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं ना कि किस तरह के मुद्दे उठाए जाएं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो पीएफआई के साथ बजरंग दल को इक्वेट किया, प्रतिबंध लगाने की बात की, एक पे तो पहले ही लगा था, उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुसलमान वो कलीगा चला जाएगा जेडीएस के साथ तो फिर उनका संकट बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हैवी कैंपेन की, मुझे लगता है कि हिंदू कंसोलिडेशन तो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ट्रैप में बीजेपी फंस गई? निश्चित तौर पर, यहां तो कम से कम यही होता हुआ दिखा है। कर्नाटक में आप कांग्रेस पार्टी के ट्रैप में फंस गए प्रेम शुक्ला जी, बजरंग बली का मुद्दा एक ट्रैप था और आप फंस गए उसमें। लौ जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, लौ जिहाद के खिलाफ बोलेंगे और बजरंग बली के प्रतिबंधित करने की बातें करने वालों के विरोध वालों की, ये राम को जो है ताले में बंद करने का अपराध इनके मूल पुरुष नेहरू जी कर चुके हैं। लेकिन आपको लगता नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी सुनिए, आपको लगता नहीं कि बजरंग दल और बजरंग बली दो अलग अलग चीजें हैं और ये आपके लिए बैकफायर कर गया? उसका विरोध करेंगे। देखिए, हम अपनी नीतियों पर अड़िग रहते हैं, हम कांग्रेस की तरह सिर्फ चुनाव के लिए लोकतंत्र में नहीं आए हैं, सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है नीतियां। तो अगर ये जो बजरंग दल पर प्रतिबंध 1992 में लगाने के बाद जो मुक्की खा चुके हैं, वो पीएफआई के साथ भारत के खिलाफ आईसीस जैसी संस्थाओं को समर्थन देने वालों का अगर समर्थन ले रहे हैं, ये लौ जिहादियों के समर्थन में नंगा नाच कर रहे हैं, एक चुनाव जीत ले। लेकिन ये कर्नाटक आपके लिए अब मुसीबत नहीं बन जाएगा? एक ही राज्य था साउथ में आपके पास प्रेम शुक्ला जी, एक ही राज्य था साउथ में जहां पे आप अच्छा कर रहे थे, और उसके बाद अब इस तरह की हार क्या आपके लिए तेलंगाना या 2024 में साउथ में, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें हैं वहां पर, अगर 5-6 राज्य मिला दे, ये 2024 के लिए आपके लिए मुसीबत नहीं बनेगा? मैं आता हूं इस पर बात करूंगा, लेकिन जरा जल्दी से मैं कर्नाटक कांग्रेस के 4 चाणक्य दिखाना चाहता हूं जिन्होंने इस जीत में पर्दे के पीछे रहकर बड़ा अहम रोल निभाया है, और उनके बारे में अब पार्टी में जो बातें हो रही हैं, ये देखिए एमबी पाटिल कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, डोर टू डोर कैंपेन की इन्होंने कमान संभाली। शशिकांत सेंथिल कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज, हर सीट का इन्होंने आकलन किया। सुनील कानुगोलू डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट, उम्मीदवार सिलेक्शन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और जी परमेश्वर 5 गारंटी बनाने वालों में शामिल थे, सिद्धारमैया सरकार में गृह मंत्री थे। तो क्या आप लोगों ने अलका लामा जी हर आदमी को एक अलग काम दे रखा था? ये 4 चाणक्य हम बता रहे हैं, हो सकता है आपके पास 4 और हो। क्या आप लोगों ने टीम को कब से उतार दिया था और क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो कर्नाटक के महासचिव प्रभारी है, उन्होंने बहुत पहले, कम से कम 1 साल पहले, अपनी तैयारियों को, अपने चाणक्यों को और अपनी नीतियों को कि हम किन मुद्दों पर जाएंगे और हम बिल्कुल कर्नाटक के बाहर मुद्दे पर हमें ले जाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे, हमें गारंटी पे ही रहना है, हमें बूथ के कार्यकर्ताओं तक रहना है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ जो चल रहा था बातें, ये उसी का नतीजा। और सबसे बड़ा, अच्छा मैं एक दूसरा सवाल लेकर आता हूँ, ठीक है अलका लामा जी, मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूँ। अभी मैंने 2024 का जिक्र किया था, पिछला चुनाव अगर कर्नाटक का देखें तो वहां भी बीजेपी और कांग्रेस में जो सीटों का अंतर था, अगर उसको लोकसभा में लेकर जाएं तो वहां तस्वीर बिल्कुल दूसरी हो जाती है। अब देखिए, जहां पर बीजेपी को 104 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शन में, जो 224 में मेजॉरिटी भी नहीं होती थी, वहां पर जब वो लोकसभा में गए तो 28 में से 25 जीत जाते हैं। तो ये पीएम मोदी का जो चेहरा है लोकसभा चुनाव में, अभी 2024 सामने है, हो सकता है आप कर्नाटक के बाद आपका मोराल बहुत बूस्ट हो, लेकिन आपको लगता नहीं कि कर्नाटक चुनाव के बाद आपके सामने अब 2024 बड़ी चुनौती है, और वो आप इस चुनाव से क्या सीख लेके जा रहे हैं वहां? गौरव जी, आपके जो पैनल में हमारे विशेषज्ञ बैठे वो जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव होता है। बिल्कुल, अगर आप विधानसभा जीतते हैं स्वाभाविक ही आप लोकसभा जीते और लोकसभा विधानसभा। लेकिन हमें मालूम है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं, उससे पहले 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समय था। अब केंद्र के मुद्दों पर जो है वो तुलना होगी, 24 का चुनाव बिल्कुल खाली चेहरे पर नहीं, मुद्दे पर होगा। और मुद्दे पर मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था, मैं हर्षवर्धन जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, क्या इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम पर शिव कुमार के भाई का बयान आया है, डीके शिव कुमार के भाई ने क्या कहा है सुनिए। मेरे भाई को सीएम बनना चाहिए, ये डीके सुरेश ने कहा है। अभी
थोड़ी देर पहले, ज्यादा देर नहीं हुई है, 3 या 4 घंटे पहले सिद्धरमैया के बेटे ने कहा था कि मेरे पिता ने अच्छी सरकार चलाई, उनको सीएम बनना चाहिए। अब सीएम पर डीके शिवकुमार के भाई का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मेरे भाई को सीएम बनना चाहिए। अलका लांबा जी, देखिए अब तो ये आने लग गया है सरफेस पर, अब तो ये दिख रहा है कि अलग अलग तरीके से ये प्रोजेक्शन हो रहा है कि डीके शिवकुमार के कैंप वाले कह रहे हैं कि उनको बनना चाहिए सीएम और सिद्धरमैया के कैंप वाले कह रहे हैं कि उनको सीएम बनना चाहिए। गौरव जी, कैंप नहीं है, परिवार है, एक बेटा है और एक भाई है, भावनाएं बिल्कुल जुड़ी होंगी। मैं भी होती तो मेरा तो कैंप, आप मानती हैं कि कैंप है आपके यहाँ, ये कैंप नहीं, लेकिन आप मानती हैं कि अलग अलग कैंप है, परिवार के लोग हैं, ये दोनों परिवार के लोग हैं, एक बेटा है और एक भाई है, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, सम्मान है, होगा वो जो हमारे 136 विधायक बंद कमरे में बैठकर सहमति बनाकर फैसला देंगे, मोहर उसी पे लगेगी और सबको स्वीकार्य होगा ये। नहीं, लेकिन परिवार क्या पार्टी परिवार नहीं होती है, पार्टी भी तो परिवार ही होती है, वहां भी तो भावनाएं परिवार की होती है। अभी आप कैंप और परिवार बता रही है, फिर आप कह देंगी वो पार्टी हमारा परिवार है। नहीं नहीं, अगर दोनों विधायक है तो उनका ये जो कहना बिल्कुल मायने रखता है, पर अगर दोनों विधायक नहीं है, आप बेटे और भाई की नजर से देखिए। हाँ, अगर विधायक ये कह रहे हैं तो उसको कंसिडरेशन में बिल्कुल पब्लिक में कहना, मतलब डीके सुरेश इतने कम ज्ञानी तो नहीं होंगे जो ऐसे पब्लिक में ऐसे कहेंगे। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक के नतीजों पर अमित शाह जी का ट्वीट आया है, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है, कर्नाटक की जनता का हृदय से आभार, ये कहा है अमित शाह ने, कर्नाटक की जनता के लिए काम करते रहेंगे, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कर्नाटक की जनता का हृदय से आभार। लेकिन अब मैं यहां पर जो सवाल लेकर आ रहा था हर्षवर्धन जी आपके पास, कि यहां पर क्या ये देखिए, पहले ट्वीट देख लीजिए, ये गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है जो कह रहे हैं कर्नाटक की जनता का हृदय से आभार, कर्नाटक के लिए काम करते रहेंगे, ये उन्होंने ट्वीट किया है, ये उनके ट्वीट का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है। लेकिन मैं हर्षवर्धन जी, इससे पहले कि अब जाऊं 2024 के ऊपर आपसे सवाल लूं कि क्या विपक्षी एकता को यहां से भी एक बल मिलता है नीतीश कुमार जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीके सुरेश का बयान आपको क्या लगता है? नहीं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ और अलका जी इसको स्वीकार नहीं करेंगी, प्रवक्ता हैं, उनको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सचमुच मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा संकट है। देखिए कमलनाथ जी बोल रहे हैं, बयान अशोक गहलोत जी का आएगा, कमाल की बात, ये लोग खुद मुश्किल पैदा करने वाले लोग हैं कांग्रेस के लिए। और अगर आप ध्यान से देखिए तो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हों या सचिन पायलट अभी अलग से कर रहे हों या हेमंत विश्व शर्मा भाजपा में चले गए हों, ये सारे लोग कोई ऐसा नहीं, ये सब खांटी कांग्रेस ही रहे, और उसके बावजूद इनको जिसको कहते हैं ना कि शीर्ष नेतृत्व तो नहीं संभाल पाया, इसी संदेश के साथ हो गए। और डीके शिवकुमार, पिछली बार भी आप देखिए जब सिद्धारमैया जी की सरकार थी या जब सरकार 2018 की थी या मुंबई तक वो मैनेज करने जाते हैं, अब सवाल ये है कि अगर उनके पास एक ऐसा नेता है और सिद्धारमैया जी 75 मुझे अगर ठीक से ध्यान में है तो हो गए, शिवकुमार जी 60+ हो गए, तो क्या पार्टी उनको समझाएगी सिद्धारमैया जी को कि अब आपकी पारी हो गई या आप ऊपर आ जाइए या कुछ इस तरह का कोई समीकरण निकलेगा क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं राजस्थान पार्ट 2 ना हो जाइए? नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो, अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कर्नाटक में असम हो सकता है, ये आशंका बिल्कुल बने। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, कर्नाटक में असम हो सकता है, और क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? प्रेम शुक्ला जी, असम में क्या खेल हुआ और असम में आज क्या बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है हम सब जान रहे हैं, क्या बीजेपी कर्नाटक के लिए भी कुछ ऐसा ही कुछ समझ रही है, कुछ होता देख रही है, कुछ उम्मीद अभी भी बची है क्या बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता का आभार मानती है और नए सरकार से जनाकांक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा रखती है। हम इससे अधिक की राजनीति में और विशेष करके परिवारवाद के कीचड़ में कूदने में हमारी कोई रुचि नहीं है। नहीं तो आगे अब यहां से क्या 2024 में चैलेंज मानते हैं विपक्षी एकता को, अब यहां पर आप मानते हैं कि बल मिलेगा नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की इस जीत ने, क्या उस कोशिश को और मजबूत किया है, क्या कांग्रेस पार्टी को आप विपक्षी एकता में ड्राइविंग सीट पर देखते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। पिछली बार 2018 में जब चुनाव संपन्न हुए कर्नाटक में तो एक विपक्षी एकता का बड़ा चित्र बना था, उस चित्र के लोगों को देख लीजिए, वो विचित्र विचित्र किस्म के जो है उन्होंने आपस में मतभेद पाले और लड़कर अलग हो गए। तो इनकी इच्छा अभी भी अगर कर्नाटक के माध्यम से तो विपक्षी एकता खड़ा करने की तो इनका अधिकार, इन्होंने करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं? हर्षवर्धन जी नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या 2024 के लिए कोई तस्वीर यहां से दिखती है?
अच्छा ये देखिए, ये तस्वीर सामने आ रही है। अब ये तस्वीर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आपको दिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पर शॉल उड़ाया गया है उनको, उनको गुलदस्ता भेंट किया गया है, स्वागत किया गया, और दोनों तरफ वो दोनों नेता दिख रहे हैं आपको जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो कांग्रेस के कर्नाटक के प्रेसिडेंट है डीके शिवकुमार, इन दोनों के नामों की चर्चा हो रही है। इन दोनों के घर वालों ने, सिद्धारमैया के बेटे ने कहा कि उनके पिता को सीएम बनना चाहिए, और डीके शिवकुमार के भाई ने कहा कि उनके भाई को सीएम बनना चाहिए। ये चित्र देखकर मुझे वो चित्र याद आ रहा है जब राहुल गांधी जी, उन्होंने दो चित्र ट्वीट किए थे, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट अशोक गहलोत। उन्होंने टाइम एंड पेशेंस, ये दो शब्द का इस्तेमाल किया था। अब सवाल ये है कि किसका टाइम आ गया है, किसको अभी धैर्य नहीं, इसमें क्या मैं मेरे पास अभी जानकारी नहीं है कि इस तस्वीर के साथ कोई ट्वीट भी है यहाँ पर कि नहीं है, लेकिन तस्वीर तो सामने आ रही है। अब देखिए धीरे धीरे जब तस्वीर और यहाँ पर जूम आउट हो रही है, तो यहाँ पर हमें रणदीप सुरजेवाला भी दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें कांग्रेस के दूसरे नेता भी दिख रहे हैं। मैं अलका जी, यहाँ पर जो बात है, आप लोगों ने जरूर इसको लेकर मंथन तो किया होगा ना अंदर खाने, बिल्कुल इसको लेकर कि कहीं कोई राजस्थान आपके सामने बड़ी केस स्टडी है, वैसा कोई यहाँ पर विवाद ना पैदा हो जाए, कुछ किया आप लोगों ने ऐसा? देखिए संवाद बिल्कुल बना हुआ, आप इस बहुत खूबसूरत तस्वीर को देखिएगा। बीच में जो खड़े हैं वो कर्नाटका से ही आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, और दोनों उनके लेफ्ट आउट में मजबूत एक हाथ बनकर खड़े हैं। और आप देखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, अभी अंदर की बात कहें या बाहर की बात कहें, जब विधायक आ जाएंगे तो ये दोनों में से ही एक आदमी दूसरे एक आदमी का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव करेगा, ये आप लिख कर रखो। चलिए ये बड़ी खबर दे दी अलका लामा ने कि यहाँ पर इन्हीं में से किसी एक से दूसरे का नाम प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, ये कह रही हैं आप? करवाया नहीं जाएगा, हाँ। करवाया नहीं जाएगा, पार्टी का आदेश होगा। की लड़ाई बता रहे हैं आप, दोनों की लड़ाई बता रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि एक के नाम पर आया तो दूसरा विरोध करेगा। नजरिया है आपका, नजरिया है वो करेंगे। यहाँ लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि पार्टी ने प्रेशर डाल के करवाया, कि बताइए आपकी कोई यहाँ पर कोई कलह नहीं है। बहुत शुक्रिया, खैर समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कर्नाटक चुनावों के ये रिजल्ट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे, अंदर की बातें बताते रहेंगे।